I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. Hindi audience want to see South films, no, today. I wouldn't want to do Hindi films. मैं हिंदी फिल्म नहीं करेगा भैया. पुष्पा भैया ने ऐसा नहीं कहा है, ये किसने कहा है? अपने महेश बाबू ने. जी हाँ भाई, जहां पूरा साउथ जो है वो बॉलीवुड का रुख कर रहा है, पैन इंडिया बन रहा है, वहीं अब साउथ वाले जो हैं वो नॉर्थ वाले मीडिया को, हिंदी मीडिया को अपने यहां बुलाने लगे. इस वक्त मैं हैदराबाद हूं, अपने हैदराबाद वाले ऑफिस में हूं, एबीपी देसम के ऑफिस में हूं. लेकिन मुद्दा यह है कि भैया महेश बाबू क्या बोले और क्यों बोले. देखिए, महेश बाबू की पहली हिंदी पैन इंडिया फिल्म का ट्रेलर आ गया है. मेजर ट्रेलर कैसा है वो मैं आपको बता चुका हूं, रिव्यू में आप देख सकते हैं. महेश बाबू के प्रोडक्शन की पहली ऐसी फिल्म है जो हिंदी में भी प्रोड्यूस की जाएगी. अब जब महेश बाबू से सवाल जवाब हुए तो महेश बाबू से पूछा गया कि भाई आप हिंदी फिल्में करेंगे, मतलब दुनिया भर के जो साउथ के सितारे हैं वो तो हिंदी फिल्में कर रहे हैं तो आप करेंगे? तो महेश बाबू ने साफ मना कर दिया, नो मींस नो. आई डोंट नो इफ आई साउंडिंग एरोगेंट, बट आई डिड गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स इन हिंदी, बट माय सिंपल थिंग इज आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड मी इन हिंदी. आई कांट वेस्ट माय टाइम बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई गेट हियर, द काइंड ऑफ स्टारडम आई हैव हियर, सो आई नेवर रियली थॉट ऑफ गोइंग You know, leaving my industry and going to another industry. उनका कहना है कि यहाँ मुझे जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, जो मेरा स्टारडम है, मैं उसे खूब इंजॉय कर रहा हूँ. हाँ, मेरी फिल्मों को हिंदी में डब करके चलाना है तो भैया चला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मतलब महेश बाबू क्लियर कट हैं कि वो रहेंगे तो इसी इंडस्ट्री में रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं. एक महेश बाबू का स्टेटमेंट भी आया था कि मैं किसी बॉलीवुड हीरोइन को अपनी फिल्म में नहीं लूंगा. तो उनसे यहां ये पूछ लिया गया कि क्या बॉलीवुड की कोई हीरोइन आपकी फिल्म में दिख सकती है, तो उनका कहना था कि आजकल तो सब लोग सब जगह काम कर रहे हैं. Everybody is acting in everybody's films now, sir. So, why not? तो भैया दिख भी सकती है. अब दिखेगी नहीं दिखेगी हम नहीं कह सकते, लेकिन महेश बाबू ने यह साफ कर दिया कि वो हिंदी फिल्में नहीं करने वाले हैं, बॉलीवुड में नहीं आने वाले हैं. जहां और दूसरे सितारे जो हैं वो हिंदी फिल्में कर रहे हैं, साउथ के सितारे हिंदी फिल्में कर रहे हैं, अपने हिंदी वाले तो खैर बॉलीवुड का रीमेक ही किए जा रहे हैं और इस चक्कर में बेचारे बहुत ट्रोल भी होते हैं, लेकिन महेश बाबू ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. कह रहे भैया मेरी फिल्में डब कर लो, चला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब आप मुझसे ये उम्मीद करो कि मैं कोई हिंदी फिल्म करने वाला हूं तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा. आई ऑलवेज वॉज इन द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट वॉट माई स्ट्रेंथ इज टू डू अ तेलुगु फिल्म. एंड सो द इमोशन वॉट आई नो इज अ तेलुगु फिल्म इमोशन, बट टूडे द इमोशंस आर सो स्ट्रॉन्ग, द फिल्म्स हैव बिकम सो बिग दैट एवेंचुअली आई थिंक द लाइन हैज ब्लर्ड एंड इट्स बिकम इंडियन सिनेमा. सो वॉट आई थॉट is becoming true and I'm very very happy. आप महेश बाबू के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में. फिर मुलाकात होती है.